नमस्कार मैं निशा आप देख रहे हैं बिग न्यूज आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर पाराहाट थाना क्षेत्र के लिलावरंश से उत्पाद विभाग की टीम ने शनिवार को छापेमारी कर 350 से अधिक कार्टून विदेशी शराब बरामद किया है साथ ही तीन तस्कर को भी गिरफ्तार किया है उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर लीलावरंश के निकट कार्रवाई कर शराब ऐसी भरे ट्रक और ऑटो को जब्त कर लिया है ट्रक चालक झारखण्ड के हंसटिया ऐसी शराब लेकर बेगूसराय जा रहा था जबकि ऑटो भागलपुर जिले के सबौर ले जाया जा रहा था इसी दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने शराब से भरा ट्रक जब्त किया ट्रक पर धान की भूसी से भरा बोरी के नीचे शराब छिपा कर रखा था धान की भूसी भरे बोरे को हटाया गया तो 350 कार्टून से अधिक शराब बरामद हुई है जबकि जब्त ऑटो के तहखाने से भी शराब बरामद हुआ है ट्रक से एक और ऑटो से दो लोग की गिरफ्तारी हुई है उत्पाद अधीक्षक अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि ट्रक चालक की पहचान बेगूसराय जिले के गोरगम्मा गांव निवासी पप्पू सिंह के रूप में हुई है जबकि दो अन्य तस्कर की पहचान भागलपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबूपुर निवासी सूरज कुमार और रूपेश कुमार के रूप में हुई है जब तक तो शराब की अनुमानित कीमत दस लाख के आस है पूछताछ के बाद तीनों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया है शराब को होली में खपाने की योजना थी सुबह में एक ऑटो पकड़ाया दोबारा उन्हें लीलावरण पर एक ट्रक को चेक किया तो उस ट्रक से जो है साढ़े तीन सौ पेटी से अधिक शराब है बरामद किया गया है बाराहाट थाना के भागलपुर हंसरिया मुख्य मार्ग पर मछली बाजार के पास ट्रक के चपेट में आने से बाइक पर सवार दो लोगों की मौत हो गई दोनों बाइक सवार भेड़ा मोड़ की ओर से आ रहे थे स्थानीय लोगों ने बताया भागलपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार की ट्रक की चपेट में आ गए बाइक पर सवार दोनों लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर बाराहाट पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लाश को कब्जे में ले लिया दोनों मृतक की पहचान झारखंड के कोडा जिले के पौड़ैया हाट थाना क्षेत्र अंतर्गत बघा कोला निवासी प्रसादी सिंह एवं उनका पुत्र विनोद सिंह के रूप में हुई है घटना के बाद भागलपुर हजरिया मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई है जिसे पुलिस ने जाम को हटाया पुलिस सप्ताह को लेकर पांका लाइन में पौधा रोपण का आयोजन किया गया जिसमें एसपी अरविंद गुप्ता जिलाधिकारी सुहर्ष भगत बेलहर एसएसपी अभियान अयोध्या सिंह पुलिस पदाधिकारी जवान सहित अन्य लोग भी शामिल हुए पौधा रोपण की शुरुआत पुलिस लाइन में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया पुलिस सप्ताह को लेकर आज पत्रकारों से भी पौधा रोपण कराया गया धौरइया प्रखंड के जसमतपुर गांव के ग्रामीणों ने शनिवार को सीताराम की भव्य झांकी के साथ मंदार परिक्रमा यात्रा की शुरुआत की यह यात्रा जसमतपुर गांव से निकलकर भरिकित्ता गांव होते हुए गोड्डा पंचवारा मुख्य मार्ग से गुजरकर विक्रमपुर मोड़ से सबलपुर गांव के रास्ते मंदार पर्वत पहुंची। शोभा यात्रा से रामधून पर नाश्ते गाते पुरुष और महिला श्रद्धालु चल रहे थे वहीं ट्रैक्टर पर सीताराम की झांकी सबका मन मोह रहा था श्रद्धालु ने मंदार पर्वत की परिक्रमा पूर्ण कर यात्रा समाप्त की आयोजन को सफल बनाने में जशमतपुर और भरीकित्ता के ग्रामीणों ने सक्रिय भूमिका निभाई समाज के सबसे कमजोर वर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र की सरकार सक्रिय है इस बाबत पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर अपनी महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत के लिए लाभुकों का निबंधन करा रही है शुक्रवार को प्रखंड के तेलिया पहाड़ पंचायत के लंगाई स्थित सामुदायिक भवन में बावन लाभुकों का निबंधन किया गया कार्यपालक सहायक आनंद रंजन एवं रवि कुमार लाभुकों का निबंधन कर रहे थे जबकि आशा कार्यकर्ता श्वेता कुमारी सहयोग कर रही थी शिविर का संयोजन एवं संचालन सपना देवी एवं उनके प्रतिनिधि अमित कुमार कर रहे थे शिविर में एन एम रेखा कुमारी एवं पर्यवेक्षक वीसी उमेश दास अनुपस्थित थे अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार